हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello my students and friends, welcome back. It's a new video for you, and some of the phrases are there in Hindi and we are going to translate them into English. And these are very common phrases and these were asked by one of my students. So I decided to make a video for that. So let's talk about that. The first one is जिंदाबाद। तो हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने बोला अगर भारतीय सेना जिंदाबाद, suppose this is the sentence, तो जिंदाबाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे अप विथ इंडियन आर्मी। तो ये हमेशा याद रखें आप, जिंदाबाद अप विथ, जिसको भी आप जिंदाबाद कर रहे हैं अप विद इंडियन आर्मी। इसीलिए इसी तरह हम बोले मुर्दाबाद, तो हम मुर्दाबाद किसी के लिए बोलेंगे तो हम डाउन विद टेररिस्ट टेररिस्ट ग्रुप और वॉट एवर, तो आप यहां ले सकते हो डाउन विद, अप विद इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, डाउन विद वॉट एवर जो भी हो। तो अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं हम, नेक्स्ट मैं क्या जानू। तो कई बार हम अपने स्पीकिंग में बोलते हैं मैं क्या जानू, हाउ कैन आई नो, हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो, ये बोल सकते हो आप, हाउ शुड आई नो, मैं कैसे जानू या मैं क्या जानू, और व्हाट शुड आई नो, हाउ शुड आई नो। ठीक है, बस में चढ़ो, तो यहां पे देखिए बस में चढ़ो, जब हम बोलते हैं बस में चढ़ो तो बोर्ड द ट्रेन, ठीक है, इसी तरह बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द प्लेन ये भी बोल सकते हैं, बोर्ड द बस, तो ट्रेन बस या प्लेन कुछ भी आप बोल सकते हो आप, ठीक है, बोर्ड द ट्रेन बस प्लेन, बस में चढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों को पानी दो, तो पौधों को पानी देने के लिए हम वाटर, वैसे नाउन होता है पानी, लेकिन पानी देना भी होता है किसी चीज में, फसल में या पौधों में, तो वाटर वर्ब की तरह हम यूज करेंगे, तो वाटर द प्लांट्स ये हम यूज करेंगे, ठीक है, वाटर द प्लांट्स। अभी यहाँ पे है अपनी नाक साफ करो, तो अपनी नाक साफ करो हम बोलते हैं ब्लो योर नोज, ब्लो योर नोज, इसमें यहाँ पे क्लीन या और कुछ यूज नहीं करेंगे, क्लीन योर नोज, नो ब्लो योर नोज इज अ कॉमन फ्रेज इन इंग्लिश, अपनी नाक साफ करो, ठीक है, अपने दांत साफ करो, अगेन यहाँ पे क्लीन या इस तरह का कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं ब्रश योर टीथ, तो ब्रश योर टीथ। अभी यहाँ पे नहा लो, तो नहा लो के लिए हैव अ बाथ या टेक अ बाथ, हैव अ बाथ या टेक अ बाथ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कुत्ते को यहां से भगाओ, तो किसी चीज को हम कुत्ते को किसी
खराब बेकार आदमी को, किसी को, मतलब इसको यहाँ से हटाओ यार, भगाओ उसको यहाँ से, भगाओ। ये कोई चीज, ये तो लिविंग थिंग के लिए है, कुत्ते को भगाओ, इस आदमी को यहाँ से भगाओ हटाओ। कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए तो वो फिर मैं अलग बताऊंगा, उसके लिए रिमूव बोलते हैं। जैसे इस कुर्सी को यहाँ से हटाओ, तो रिमूव दिस चेयर फ्रॉम हियर, तो वहाँ आप रिमूव यूज कर लेंगे। लेकिन अगर कुत्ते को हटाना है तो इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ, तो उसमें हम बोलते हैं ड्राइव दैट डॉग अवे। तो ड्राइव दैट डॉग अवे, इसको यहाँ से भगाओ, ठीक है। कोई नॉन लिविंग थिंग को हटाने की बात है तो रिमूव यूज करेंगे वहां पे। इस कील को दीवार में लगाओ, जैसे कील आप लगाते हो ऐसे, तो दीवार में कील लगाने के लिए भी हम ड्राइव का यूज करते हैं। ड्राइव दैट नेल इनटू दी वॉल, तो इस कील को ड्राइव दैट नेल इनटू दी वॉल। अब देखिए यहाँ पे, मुझे कोई काम करने को मत कहो, तो कोई किसी से कुछ काम करने के लिए जब बोलता है तो हम आस्क का यूज करते हैं। जैसे डोंट आस्क मी टू डू एनी वर्क, तो मुझे कोई काम करने को मत कहो, तो डोंट आस्क मी टू डू एनी वर्क। ये डोंट आस्क मी टू डू एनी वर्क, मुझे कोई काम करने के लिए मत कहो, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम अपनी आदत से मजबूर हो, तो यू आर इन द ग्रिप ऑफ योर हैबिट्स, यू आर इन द हैबिट्स ऑफ, सॉरी, यू आर इन द ग्रिप ऑफ योर हैबिट्स, ये हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कई बार हम बोलते हैं, अरे पागल हुए हो क्या यार, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू टीच मी। ये थोड़ा नेगेटिव, इसमें इसलिए टीच का यूज कर रहे हैं, वो वैसा समझाना नहीं है जहाँ पे आप एक्सप्लेन यूज कर लो, तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू टीच मी, ठीक है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट है, तुम्हारी कोशिशें बेकार जाएंगी, है ना, तो योर एफर्ट्स विल गो इनटू वेन, आपकी कोशिशें बेकार जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, ठीक है। वेन मतलब व्यर्थ, व्यर्थ हो जाएंगी। नेक्स्ट है, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो आई हैव टू टीच यू अ लेसन, मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा, आई हैव टू टीच यू अ लेसन। अब देखिए, भगवान तुम्हारा भला करे, ये एक्सक्लेमेटरी है, तो ये मे से, जब अगर आप मॉडल्स डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, भगवान तुम्हारा भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू, और एक्सक्लेमेटरी साइन, मे गॉड ब्लेस यू, तो वहां पे इस तरीके से आप बना लेंगे। अब ये कुछ तो करो, तो कुछ तो करो, तो डू समथिंग और अदर, डू समथिंग और अदर, कुछ तो करो, कुछ तो करो, डू समथिंग और अदर, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ तो दाल में काला है, तो इसके लिए दो तरीके से बनाते हैं हम ये इडियम में, कुछ तो दाल में काला है, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट,
there is something fishy about it. ठीक है, या एक और इसका होता है, I smell a rat. I smell a rat. कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा. ठीक है, कम वॉट मे आई विल गो. कम वॉट मे आई विल गो. नेक्स्ट, तुम मानो या ना मानो परंतु यह सच है. तो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट इट्स ट्रू. तो ये कुछ फ्रेजेस थे, सम ऑफ दी फ्रेजेस विच वर आस्क्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू अ वीडियो. If you like that video, please like it and share it for others and subscribe to my channel to watch my new videos. If you think you want to have classes with me online through Skype, you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. So you may contact me, talk to me through Skype and decide if you want to join my classes. I'll customize a course for you. Thanks for watching that video. Thank you.